बिहार में कांग्रेस को आज उठने का बहुत बड़ी संभावना है। जैसा हम लोग जमीन लेवल पर आम जनता का रुख को भांपते हैं, हम लोग बिहार से लगभग सैकड़ों डेलीगेट, सीनियर कार्यकर्ता और लीडर हम लोग बिहार से आए हुए हैं। माधवन जी से, तनिष्क जी से, केएल शर्मा जी से, सप्पल जी से, गुरदीप सिंह सप्पल जी से, ऐसे दर्जनों नेताओं से मिल कर करके अब तक होने जा रहे हैं। कुछ जितने भी आप सीनियर लीडर का नाम लिए, जो भी नेताओं का, ये लोग क्या अपेक्षा दिए, कब तक बदलाव होंगे? आदरणीय राहुल जी से, मैडम सोनिया जी से और खड़गे साहब से मिलने के लिए को आगामी 30 जुलाई को हम लोग जो है सत्याग्रह करने जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी से मिल कर करके बिहार कांग्रेस के बदलाव को लेकर करके AICC के प्रांगण में होगा। हम लोग जो है राहुल जी के आवास पर करेंगे कि ताकि हम लोगों की बात को सुनी जाए और अब रेस के घोड़ा को रेस में लगाया जाएगा और बराती के घोड़ा को बराती में लगाया जाएगा। 2025 के विधानसभा में कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिहार में कांग्रेस अपने बलबूते सरकार बना सकती है, वहाँ भाजपा को कांग्रेस ही रोक सकती है, दूसरा कोई पार्टी वहाँ रोक नहीं सकता है। कि बिहार में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, वो अपने बेटे बेटियों, अपने परिजनों के लिए टिकट मांगते हैं, पद मांगते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि कई राज्यों को लेकर के रिव्यू मीटिंग चल रही है। जिस राज्य में चुनाव जो है लोकसभा का परिणाम अच्छा नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो वहाँ पर रिव्यू मीटिंग चलाई जा रही है। और रिव्यू मीटिंग में कई एक राज्य हैं, जैसे आप बिहार ले सकते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया, कई एक ऐसे राज्य हैं जिसको लेकर रिव्यू मीटिंग AICC की तरफ से चलाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार शर्मा है, जो कि सीनियर लीडर है और कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में जाना चाहते हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए, बिहार में जो रिजल्ट हुआ लोकसभा चुनाव का, इसको लेकर करके कई एक सवाल उठ रहा है। जबकि बिहार में कांग्रेस को आज उठने का बहुत बड़ी संभावना है। जैसा हम लोग जमीन लेवल पर आम जनता का रुख को भांपते हैं और उसको लेकर करके रिजल्ट जो भर्स गया है, खराब हुआ है बिहार का, तो आला कमान जो है, इसी तरह से और भी कई एक राज्यों में, मध्य प्रदेश भी है, बंगाल भी है, वहाँ बदलाव की स्थिति बन रही है। और अभी तक हम लोग बिहार से लगभग सैकड़ों डेलीगेट, सीनियर कार्यकर्ता और लीडर हम लोग बिहार से आए हुए हैं और सीनियर लीडरों से, AICC के वरिष्ठ नेताओं से, माधवन जी से, तनिष्क जी से, केएल शर्मा जी से, सप्पल जी से, गुरदीप सिंह सप्पल जी से, ऐसे दर्जनों नेताओं से मिल कर करके हम लोगों ने बिहार के जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उसको रखने का काम हम लोगों ने किया है और बदलाव की हम लोगों ने मांग कर रखा है, जिस पर सारे नेताओं का रुख है कि बिहार में बदलाव होगा। और ये बदलाव कब तक होने जा रहे हैं? कुछ जितने भी आप सीनियर लीडर का नाम लिए, जो भी नेताओं का, ये लोग क्या अपेक्षा दिए, कब तक बदलाव होंगे? हाँ, इन लोगों के द्वारा ये हम लोगों को आश्वासन मिल रहा है कि अगस्त में, सेकेंड वीक अगस्त तक ये जो पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, 12 के बाद ये परिवर्तन जो है होगा। और उसको लेकर करके हम लोग यहाँ लगातार आदरणीय राहुल जी से, मैडम सोनिया जी से और खड़गे साहब से मिलने के लिए हम लोगों ने अनेकों बार आग्रह किया है। और उसको लेकर करके मैं खास करके इस वीडियो के माध्यम से बिहार के जमीनी जुझारू समर्पित साथियों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आगामी 30 जुलाई को हम लोग जो है सत्याग्रह करने जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी से मिल कर करके बिहार कांग्रेस के बदलाव को लेकर करके, इसको लेकर करके मैं बिहार के साथियों से, कांग्रेस के तमाम साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग भी 30 तारीख को दिल्ली आएं और राहुल जी से मिल कर करके
बिहार कांग्रेस में बेहतर बदलाव हो, उस बेहतर बदलाव के लिए अपना विचार को रखें, ताकि को ये आपका जो आंदोलन सत्याग्रह कहाँ पे ये AICC के प्रांगण में होगा, हम लोग जो है राहुल जी के आवास पर करेंगे, ये ताकि हम लोगों की बात को सुनी जाए और सुन कर करके बिहार में बेहतर फैसला लिया जाए, बेहतर बदलाव किया जाए, सेकेंड लाइनर को बनाया जाए, जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने गुजरात के अपने स्पीच में उन्होंने कहा है कि अब रेस के घोड़ा को रेस में लगाया जाएगा और बराती के घोड़ा को बराती में लगाया जाएगा। तो बिहार जैसा बड़ा राज्य है जहाँ 40 लोकसभा और 243 विधानसभा है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्द जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बिहार जैसे राज्यों में यदि अभी से ही हम लोग 150 सीटों पर आंदोलन मूवमेंट करें, कांग्रेस से आम जनता को जोड़ने के लिए प्रयास किया जाए, तो बिहार में मैं आगामी 2025 के विधानसभा में कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने पैदल चल करके पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का इतिहास को फिर से मजबूत करने का काम किया है, हम सभी कार्यकर्ताओं का बिहार में मानना है कि राहुल गांधी जी के बताए हुए नक्शे कदम पर यदि बिहार में भी आम लोगों के बीच में जा कर करके आम लोग, गांव, गरीब, किसान, मजदूर को जोड़ने का प्रयास किया जाए, तो बिहार में कांग्रेस अपने बलबूते सरकार बना सकती है, वहां भाजपा को कांग्रेस ही रोक सकती है, दूसरा कोई पार्टी वहां रोक नहीं सकता है। आपका जो 30 का कार्यक्रम है, इसमें कितने लोग शामिल होने की अपेक्षा? इस कार्यक्रम में बिहार के लगभग सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ता, वरिष्ठ डेलीगेट, वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता इसमें आएंगे, जो कि पूर्व सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी, पूर्व उपाध्यक्ष, किसान विंग के साथी हैं, महिला विंग के साथी हैं, मजदूर विंग के साथी हैं, तमाम विंग के तमाम तरह के कार्यकर्ता जो है इस बदलाव को लेकर करके इसमें जुड़ने जा रहे हैं। और मैं फिर से एक बार अपने आला कमान, खास करके आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और खड़गे साहब से मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि बिहार कांग्रेस में बेहतर से बेहतर कार्य बदलाव किया जाए, सेकेंड लाइन वर्कर को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बिहार में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, वो अपने बेटे बेटियों, अपने परिजनों के लिए टिकट मांगते हैं, पद मांगते हैं, वैसे हालात में सेकेंड लाइन वर्कर जो है वर्षों से पार्टी में अपना जीवन, जवानी, अपना सारा योगदान पार्टी के लिए पूरे वक्त में देने का काम किया है, अब पार्टी वैसे जमीनी जुझारू क्रांतिकारी लोगों को आगे बढ़ाए ताकि बिहार में कांग्रेस के फिर से ऐतिहासिक सर्वाइवल हो सके। राजकुमार शर्मा, नेशनल कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, इंचार्ज बिहार।